दूसरा चीज कि इसके पीछे वेटिंग पीरियड कितना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग हैं? आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यामाहा एरोक्स 155 का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स टू यामाहा जिन्होंने अपने को ये स्कूटर प्रोवाइड किया है रिव्यू करने के लिए। अगर आप लोगों को ये स्कूटर लेना है या फिर स्कूटर के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का क्वारी है सो आप लोग नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, डिटेल्स दिए हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके वो कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हो, अपना क्वारी रिजॉल्व कर सकते हो, अपने लिए इसका टेस्ट राइड भी बुक कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। ये रिव्यू के अंदर मैं बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। पहला चीज़ कि इसको लेना कहाँ से या फिर इसको बुक कहाँ पे करना है। दूसरा चीज़ इसके लिए वेटिंग पीरियड कितना आप लोगों को लगने वाला है। तीसरा चीज़ कि इसका माइलेज क्या है, रियल वर्ल्ड माइलेज, क्योंकि मेरे पास ये 3 दिन से है, मैंने इसको चलाया है और मुझे इसका माइलेज पता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा इसका ऑन रोड प्राइस कितना है और भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये स्कूटर लेना है तो आप लोगों को ये स्कूटर कहाँ से मिलेगा। तो यामाहा एरोक्स 155 एक प्रीमियम स्कूटर है एंड ये आप लोगों को ओनली यामाहा के ब्लू स्क्वायर शोरूम के अंदर मिलेगा। यस, अभी अगर आप लोग गूगल मैप पर डाल के सर्च करोगे तो बहुत कम जगह पे आप लोगों को वो दिखाई देगा, क्योंकि गूगल मैप पे शायद से उन्होंने ऐड नहीं किया है, तो थोड़ा टाइम में हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को चाहिए कि लाइक मुंबई में करंटली अगर आप लोग मुंबई से हो तो मुंबई में 3 है, एक है उल्लासनगर में, दूसरा है थाने में और तीसरा है मुंबई में। तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके जा सकते हो अपने लिए इसका, मतलब वहाँ पर आप लोगों को इसका टेस्ट राइड भी मिल जाएगा, सो अपने लिए टेस्ट राइड बुक कर सकते हो। अभी दूसरा चीज कि इसके पीछे वेटिंग पीरियड कितना है। तो करंटली अगर आप लोग इसको थाने में लेना चाहते हो तो थाने में इसका वेटिंग पीरियड है 4 महीना, आई थिंक सो मुंबई के लिए भी सेम है और उल्लासनगर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप लोग कौन से अदर रीजन में रहते हो तो वहां पे शायद से ये एक और महीना बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड्स, तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके पहले पूछना पड़ेगा। अभी दूसरा चीज मैं इसका ऑन रोड प्राइस शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो इसका ऑन रोड प्राइस करंट थाने में अगर आप लोग ये जो दिख रहा वैसा लेने जाओगे तो समवेयर अराउंड 1,72,000 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपके यहाँ पर भी, और एक्सेसरीज इसके अंदर कुछ भी एडेड नहीं है, ये डायरेक्ट जैसे स्कूटर दिख रहा है वैसा आप लोगों को स्कूटर मिलेगा। अगर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड करोगे लाइक साइड से क्रैश गार्ड या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है स्कूटर्स के अंदर, तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके बाद अभी मैं आप लोगों के साथ इसका माइलेज शेयर कर देता हूँ। तो पिछले 3 दिनों से मैं इसको चला रहा हूँ, सिटी के अंदर चलाया मैंने, हाईवे पे चलाया मैंने, इसको पुश भी किया है और उस कंबाइंड मिक्स सिचुएशन में मुझे माइलेज मिला है समवेयर अराउंड 35 km/h का, जो कि एक स्कूटर के हिसाब से 155 cc स्कूटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप लोग इसको थोड़ा संभल के चलाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को 40-45 के आसपास माइलेज मिल जाएगा। अभी स्कूटर में भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा टाइम बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बट स्कूटर भी कितना बता रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 103 km बता रहा है, तो लाइक ट्रिप 129.1 km हुआ है और उस बेस पे अपने को यहाँ पे माइलेज बता रहा है 34 km/h। तो जैसे मतलब हम लोग का जो राइडिंग सिचुएशन है उसमें आप लोगों को ये स्कूटर इतना रेंज दे देगा। यामाहा जैसे बोलता है कि ये एक प्रीमियम स्कूटर है, सो डेफिनेटली ये एक प्रीमियम स्कूटर है। इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, इसका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड जब आप इसको राइड करोगे तो इसका राइड फील भी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रीमियम स्कूटर। एक छोटा सा चीज़ जो मेरे ओर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड वो ये है कि अगर आप लोग इसको फ्रंट देखो, अगर कुछ चीज़ें निकाल दो तो ये डेफिनेटली R15 का हेडलाइट मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है। आप लोग क्या सोचते हो ये नीचे कमेंट करके बता देना। अभी इसके अलावा मैं आप लोगों को इसकी बहुत सारी डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से चालू होता है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोगों को दिखाई देता रहेगा तो, मतलब बड़ा है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। मेरे राइड करने के टाइम पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि अरे यार ये चीज़ रीड नहीं कर रहा या फिर ये
डिटेल इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा टैकोमीटर, जो कि स्कूटर्स के अंदर डेफिनेटली बहुत ही कम जगह पे दिखाई देता है। तो 0 to 10,000 तक ये चला जाता है। एंड हम लोगों ने जब इसको पुश किया था तभी भी डेफिनेटली ये हम लोग ऑलमोस्ट इधर तक लेके गए थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों को स्पीड दिखाई देगा, यहाँ पर ओडो है एक्चुअली, ये ट्रिप है सॉरी, यहाँ पे ऑडो है। तो ऑडो में आप लोगों को बताया है 103 किलोमीटर्स, यहाँ पे फ्यूल टैंक का आपको रेंज मिल जाएगा और आप बाकी ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये मोड को चेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर स्विच दिया है, जो कि नॉर्मली हम लोग पास लाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पर ये ट्रिप लिखा है, ये चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर बता रहा है कि इसमें ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है, तो ब्लूटूथ वर्जन 0.2 है। वापस प्रेस करोगे तो यहाँ पर ओडो बता रहा है 103 किलोमीटर्स का। फिर यहाँ पर जब आप लोग देखोगे ट्रिप वन, तो ट्रिप वन बता रहा है 29.1 किलोमीटर का। हम लोगों ने इसको चला जब से हम लोगों ने इसको रीसेट किया था, रीसेट करने के लिए बस आप लोगों को ये प्रेस करके रखना है, तो जिसके वजह से ये जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। वापस ट्रिप टू, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल इको बता रहा है, मतलब आप इसको भी चलाने वाले हो तो आप लोगों को यहाँ पे माइलेज कितना मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मतलब अब तक हम लोगों ने जितना इसको चला है उसके हिसाब से आपको कितना माइलेज मिला है, तो लाइक 34 KMPL का बता रहा है। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बैटरी वोल्टेज बता रहा है, तो बैटरी जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो बैटरी का डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। सो अगेन ये एक चीज़ अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा अगेन अपना ओडो, तो यहाँ पे बता रहा है ऑयल, और दूसरा चीज़ यहाँ पे बता रहा है वी बेल्ट। तो यहाँ पे दो मोड है, और फिर नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को वापस मिल जाएगा ये अपना ओडो। सो इतना डिटेल इसके अंदर दिया है। स्विच गियर्स का क्वालिटी का बात करें तो स्विच गियर्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम है। ये है इसका हॉर्न, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप वाला स्विच, जो कि काफ़ी यूज़फुल है और बहुत क्विकली काम करता है। तो अगर आप इसको ऑन रखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन दिखाई देगा, और जैसे मतलब आप लोग थोड़ा सा चला के आगे जाके रुकोगे तो इंजन ये ऑटोमेटिकली कट कर देता है। आई थिंक सो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया था उतना जस्ट 2 सेकेंड के अंदर इसको इंजन को बंद कर देता है। एंड बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये जस्ट ब्लिंक होते रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इंजन बंद हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद जब आप एक्सेलरेट करोगे ऑटोमेटिक इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पेट्रोल बचाने के लिए और माइलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को FI का इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को इंजन हीटिंग का वार्निंग मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट साइड के सिग्नल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ABS का साइन दिया है, जो कि डेफिनेटली बंद हो जाएगा अगर आप लोग इसको 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड पर चलाओगे। अगर ये बंद नहीं हुआ मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों को शोरूम में जाके दिखाना पड़ेगा। अभी इसका जो की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये की है वो ऐसा है, मेरे पास 2 की है, सो काफ़ी बड़ा एंड लंबा है। दूसरा चीज़, आप लोग इसी एक सिंगल की से सब चीज़ें कर सकते हो। तो पहला तो आप लोग यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये ओपन करोगे तो आप लोग इसका फ्यूल लीड ओपन कर सकते हो, जो कि आगे ही है, विच इज़ रियली गुड। मैंने जब पेट्रोल भरने के लिए गया तो मुझे यहाँ से उतरना नहीं पड़ा, इसको आप जस्ट ओपन करो, पेट्रोल डालो, फिर इसको जो है वो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ये बंद हो गया, एंड फिर आप बस ऑन करके निकल जाओ, दिस इज़ रियली गुड राइट। दूसरा चीज़, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से बंद कर सकते हो एंड फिर पुश करके आप इसको घुमाओगे तो ये हैंडल लॉक हो जाएगा, और वापस अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो आप इसको पुश करोगे तो ये बंद हो जाएगा। आपका ये जो की है वो पीछे से इस तरीके से दिया है, तो आप लोग आराम से इसके अंदर लगा के इसको ऑन कर सकते हो। तो ये हो गया, फिर इसको पुश करके घुमाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर इसको बाद ये ओपन, तो इसका सीट भी ओपन हो जाएगा, एंड फिर यहाँ से ही आप लोगों को सेम फ्यूल के लिए भी ओपन हो जाएगा। आप जब इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, एंड आपको ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, अनडेफिनेटली स्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये स्टार्ट होगा, वरना ये स्टार्ट नहीं होगा। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.5 लीटर्स का, और रिजर्व में आप लोगों को 1.2 लीटर समथिंग रखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। राइडिंग रेंज काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग इसको डिसेंट स्पीड पर और सही तरीके से चलाओगे तो आप लोग 200 से 250 किलोमीटर तक जा सकते हो। उतना ही नहीं, यहाँ पर अभी मेन इसके चीज़ का बात करते हैं, एंड वो है इसका इंजन। तो अगर मैं आप लोगों को ये है बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव नहीं है ये, और अगर आप लोग ये साइड जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, ये है इसका लिक्विड कूल सिस्टम। तो इंजन एयर कूल नहीं होता है, इंजन लिक्विड कूल है, तो ये अगेन काफ़ी अच्छा चीज़ है। एंड डेफिनेटली ये सेम वो इंजन है जो MT15 और R15 शेयर करते हैं, बट ये बनाया गया है ऑटोमेटिक, यानी कि अगर आप लोग इसको चलाओगे तो इसमें आप लोगों को गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिसके वजह से डेफिनेटली 2 चीज़ हुआ है। पहले तो इसका पावर थोड़ा सा कम हो गया है, एंड दूसरा इसका माइलेज भी कम हो गया है। तो लाइक इसका पावर अभी हो गया है 14.79 BHP का, एंड 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है ये, और साथ में माइलेज भी इसका थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, तो 40 से लेके 45 KMPL तक का माइलेज आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो
इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट हो गया। ये है नॉर्मल इसका एग्जॉस्ट, सो स्कूटर के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी फ्रंट से मैं आप लोगों के इसका जो ये लाइट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को DRS मिल जाएंगे जो नॉर्मल स्कूटर चालू करोगे तो रहेगा, और दूसरा यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा LED हेडलाइट जो कि काफ़ी अच्छा और डिसेंट थ्रो देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बट अगेन वो LED नहीं है, वो है हेलोजन वाले। यहाँ पे लिखा है ABS एंड डेफिनेटली फ्रंट में इसके सिंगल चैनल ABS है। तो ये है 230mm का डिस्क और इसके अंदर ABS दिया है। ये व्हील है 14 इंच का, पीछे का भी 14 इंच का व्हील है, आगे का 110x80 का है, एंड पीछे आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक नहीं है, एंड 130mm का ड्रम ब्रेक है। पीछे का व्हील थोड़ा सा बड़ा है आगे के व्हील से, 140x70 का, एंड जब आप चलाओगे सो लाइक काफ़ी अच्छा ग्रिप देते हैं। पीछे अगेन आप लोगों को यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को हेलोजन सिग्नल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया है। और अभी एक बार इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, राइड करके देखते हैं कि ये स्कूटर कितना अच्छा सब चीज़ डिलीवर करता है। अच्छा, एक और चीज़ कि बीच में आप लोगों को यहाँ पे फुटबोर्ड में स्पेस नहीं मिलता है, ये फ्यूल टैंक यहीं पे है। इससे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, और आप लोगों को इसके ऊपर बैठने के लिए इसके ऊपर बाइक के जैसा बैठना पड़ेगा। ये स्कूटर होने के बावजूद भी आप लोगों को बाइक वाला फील देता है। सो अगर आप लोग नॉर्मली उतरने जाओगे तो नहीं उतर पाते, क्योंकि बहुत बार मेरा पैर यहाँ पे लगा है। सो आप लोगों को इसके ऊपर बैठने के लिए इसी तरीके से बैठना पड़ेगा और इसी तरीके से उतरना पड़ेगा जैसे नॉर्मल हम लोग बाइक पर बैठते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मिरर्स पिकाचू के कान जैसे बना के रखे हैं वो इसीलिए मैंने बनाया है, क्योंकि ये अगर इसको आप लोग ऐसा करोगे ना तो ये थोड़े से बाहर जाते दिख रहा, तो जिसके वजह से सिटी ट्रैफिक में अगर आप लोग चला रहे हो या सिटी ट्रैफिक में आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करके रखा है ताकि आप लोग ट्रैफिक से फटाफट निकल जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका राइड। थोड़ा सा मैंने इसको कैमरा को नीचे की ओर लगाया ताकि आप लोगों को स्कूटर का बेटर व्यू मिले। जब आप लोग बैठते हो इसके ऊपर सीट कंफर्टेबल है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिलियन का सीट भी ओके है, बट पिलियन के अगर आपके पास आपके साथ लेडी पिलियन रहेगा तो उसके ऊपर चढ़ना और उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं एंड एक छोटा सा चीज़ जो रह गया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर 6000 RPM के बाद VVA टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप लोगों को हायर RPM पर भी काफ़ी अच्छा पावर प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अरे यार इस RPM के बाद या फिर इस पर्टिकुलर स्पीड के बाद आप लोगों को स्पीड का कोई भी लैग होने वाला है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें शेयर करता था। तो सीटिंग कंफर्टेबल, इट्स रियली गुड। यस, एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा हूँ। अगर मैं आगे या फिर मैं परफेक्ट सीटिंग के हिसाब से बैठूँ तो मेरे पैर ये थोड़े से आगे चले जाते हैं एंड जिसके वजह से ये इसको बार बार टकराते हैं। मेरा हाइट है 5.10, अगर 6 फीट का बंदा होगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बाकी अगर आप लोगों का हाइट मेरे जितना रहेगा तो आप लोग ओके तरीके से इसको चला सकते हो, एंड मेरे से कम रहेगा तो दैट्स रियली रियली गुड, क्योंकि आप लोग इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। दूसरा चीज़, ब्रेक्स के बारे में बात करें तो पहले हम लोग इसके रियर ब्रेक का बात करते हैं। तो रियर ब्रेक इज़ क्वाइट ओके, ऐसा नहीं बोलूँगा कि काफ़ी सही है बट ओके है। और फिर अभी फ्रंट ब्रेक का भी बात करते हैं। तो फ्रंट ब्रेक में फ्रंट ब्रेक भी अच्छा है, मतलब इतना हद तक मैं अच्छा नहीं बोलूँगा बट इट्स गुड, इट्स ओके। अभी राइडिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो राइडिंग जो इसका ये फील है वो काफ़ी अच्छा है आप लोगों को। आप इसको घंटों तक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेटिंग पोजीशन इसको रियली रियली गुड, और पावर भी काफ़ी अच्छा है। तो देखो आप इसको पुश कर पाते हो इजीली। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे कॉर्नर में आप इसको आराम से कंट्रोल करते हुए चला सकते हो। ऐसा आपको लगता है कि अरे यार ये थोड़ा सा बैलेंस लूज़ करेगा ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है। ओ माई गुडनेस, ना
हाँ सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट सस्पेंशन अच्छा है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जब आप स्कूटर को रुकाओगे तभी, बट जो पीछे वाला सस्पेंशन है ना वो स्टिफ है। इसके पहले मैंने जो व्लॉग बनाया था मेरे दूसरे व्लॉगिंग चैनल पे, उस पर भी मैंने ये चीज़ बताया था कि इसका सस्पेंशन काफ़ी ख़तरनाक है। लाइक कभी कभी तो अगर आप बैठ के आराम से चलाते रहते हो और अगर आपने देखा नहीं अचानक से खड्डा ऐसा आया तो आपको सीधा मतलब उठा के आगे फेंक देता है, तो वैसा चीज़ है। मतलब बाइक स्कूटर से नहीं, बाइक कहाँ पर बोल रहा हूँ, स्कूटर से नहीं, बट ऐसा चीज़ है कि आपको सीट से थोड़ा आगे पटक देगा। और ब्रेक्स ये देखो, सो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, पीछे का थोड़ा सा अभी लॉक होने वाला था बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और अभी हाँ सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी निम्बल है। तो आप लोग मतलब मैं सिटी में जब चला रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं इजीली ट्रैफिक के थ्रू फटाफट निकल गया, और ये काफ़ी अच्छा है। वही सेम चीज़ अगर लाइक स्कूटर्स ज़्यादा करके इसीलिए यूज़ भी होते हैं, वही सेम चीज़ अगर मेरे पास बाइक होता या फिर मतलब मेरा डोमिनर होता तो बहुत ज़्यादा अटकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलाना पड़ता है, संभल के चलाना पड़ता है। बट ये देखो दिख रहा है, ऐसा छोटा सा गैप भी आप लोगों को मिला तो आप लोग फटाक से आराम से निकल सकते हो। एंड ये मुझे स्कूटर्स के बारे में काफ़ी सही लगता भी है। इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में बात तो इंजन का रिफाइनमेंट एकदम से बोले तो नेक्स्ट लेवल है। इसमें कोई भी तरीके का वाइब्रेशन का आप लोगों को ज़्यादा करके तो महसूस नहीं होने वाला, मतलब जीरो से लेके आप लोग आराम से 80 तक पहुंच जाओगे। 80 के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा इंजन स्ट्रेस हाउस हो रहा है, थोड़े बहुत वाइब्रेशन है, बट वाइब्रेशन आप लोगों को कहीं पर भी हैंडल पर या फिर आप लोगों के सीट को महसूस नहीं होने वाला है। आप लोग आराम से इसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हो, मैंने उससे ज़्यादा इसको पुश किया है। इसका टॉप स्पीड चला जाता है 115, बट उसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा एम्प्टी स्पेस चाहिए, तब आप उसको टॉप स्पीड तक लेके जा सकते हो। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि स्कूटर पे आप लोग सेफली चला रहे हो तो डेफिनेटली 80 to 100 काफ़ी अच्छा है, और 80 तो आराम से पहुँच जाता है। इसके बाद भी इसमें इतना पावर है कि किसी भी कार या किसी भी अदर व्हीकल को ये ओवरटेक कर सकता है। स्पीड थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, बट आप आराम से इससे कोई भी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हो। दूसरा चीज़ अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि क्या चीज़ है कि अगर आप लोगों को टूरिंग करना है बट आप लोगों को स्कूटर ही चाहिए, सो ये स्कूटर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आप लोग एक 125 सीसी का स्कूटर चला चला के बोर हो गए हो और आप लोगों को एक न्यू स्कूटर चाहिए या फिर और उसका पावर थोड़ा अच्छा चाहिए, वैसा सब चीज़ है, फीचर्स अच्छे चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस वन। बाकी इसको कंट्रोल करना इजी है एंड बहुत हद तक इसको चलाने का टाइम पर ऐसा फील होता है आप लोगों को कि आप लोग स्कूटर नहीं एक बाइक चला रहे हो। यस मतलब कुछ चीज़ों के बाद ऐसा जैसे मैं इसको हैंडल करना, इसको समझना, इसको चलाना, इसको सब चीज़ करना बहुत ही इजी है। इवन इसका जो बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा भी मतलब देखो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सी अगर मैं यहाँ पर छोड़ दिया सो दिस गोज रियली गुड, तो ये जो बैलेंस वाला चीज़ है वो काफ़ी अच्छा है स्कूटर का। और जो आप लोग जब इसको चलाओगे तो आप लोगों को मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इजीली इसको कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 155 सीसी का स्कूटर है तो आपको इसको कंट्रोल करने में या फिर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए तो आप लोग मतलब इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वैसा कुछ भी चीज़ सोचना मत, दिस इज़ रियली गुड। सीट जो है राइडर का काफ़ी बड़ा है एंड साथ में पिलियन का सीट थोड़ा सा छोटा है। एंड जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये है कि ये पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिया है। अब फुटपैक पे यहाँ पे पैर रख के बैठना मतलब लेडीज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आप लोगों को थोड़ा सा अलग लुक वाला अलग पावर वाला स्कूटर चाहिए सो दिस इज़ द वन। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है, पावर भी काफ़ी अच्छा देता है। अगर लाइक आप लोगों को हाईवे पे भगाना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को स्कूटर के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू स्कूटर।